एक सेक्स रोगी की शुरुआत कैसे होती है, उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। होता क्या है कि मेरे यहाँ जब भी पेशेंट आते हैं सेक्स रोग के, करीब करीब उनका जो पास्ट है, उनकी जो पास्ट हिस्ट्री, वो करीब करीब सही रहती है। तो कैसी रहती है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। क्या होता है कि 13-14 साल का लड़का रहता है और उस समय जो हार्मोनल चेंजेस अंदर से आते हैं वो उसको चुप नहीं बैठने देते। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक नेचुरली आना शुरू हो जाती है। उसको अपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लगाव, आकर्षण होना शुरू हो जाता है। लड़के लोग भी अपने जो जेनेटल ऑर्गन से उसको हिलाते हैं या उसके साथ में खेलते हैं, और उसको कहीं नेचुरली कहीं उसका पेनिस, मतलब जो लिंग है, वो घस गया या धक्का लग गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसको एक्साइटमेंट आता है। बच्चे लोग आपस में बातचीत करना चालू होते हैं। उनके थोड़े से 2-3 साल बड़े जो लोग हैं वो बताते हैं उनको सेक्स के बारे में, और वहाँ से उनको कुछ नॉलेज मिलते रहता है। फिर वो हस्तमैथुन के बारे में बताते हैं, कैसे करना, क्या करना, वो जानकारी दी जाती है, और वो हस्तमैथुन धीरे धीरे करना चालू कर देता है। एक लड़का मुझे आया था, उसने बताया कि उसको हस्तमैथुन का कुछ मालूम ही नहीं था, कैसा करना, क्या करना, और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मगर एक ऐसे ही वो पलंग के ऊपर ऐसा उल्टा लेटा हुआ था, मतलब पेट जमीन की तरफ, मतलब बेड की तरफ, और नेचुरली उसका थोड़ा सा हिलना डुलना हो गया, तो थोड़ा सा पेनिस घसा, घर्षण हो गया उसमें, बहुत उसको अच्छा लगने लगा, उसने और घसा, और उसको फिर वहीं से एकदम वो हाँ एक्सपीरियंस आ गया, कह रहे ये घसने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बाद में वीर्यपतन हुआ और उसको वो नेचुरल मास्टुबेशन हो गया, उसको लगा कि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, वहां से उसने चालू कर दिया। तो ऐसे अलग अलग कहानियां लोगों की होती रहती है। फिर वो कहीं पोस्टर देखते हैं, कहीं बुक्स देखते हैं, फिर बच्चे लोग आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में है, पॉर्न वीडियो देखते हैं, फिर ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं से वो अपना नॉलेज, या फिल्में हैं वहां से उनका नॉलेज लेते हैं। फिर 18-19 साल तक जब आते हैं, उनके ग्रुप में लोग चर्चा करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, कोई चर्चा करता है कि मैंने कैसे मेरे गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेके गया था, मतलब ऐसी चर्चा होती रहती है, और वो बोलते हैं कि हमने कैसा सेक्स किया, और उनको वो प्रवृत्त करते हैं। और ये भी फिर क्या करता है कि एक तो गर्लफ्रेंड के साथ में या कभी प्रोस्टिट्यूट के साथ में, ऐसा कहाँ चांस मिलता है वो देखते रहता है, और वो एक वहाँ जाके एक एक्साइटमेंट है, और वो एक अनुभव, एक तजुर्बा लेना चाहता है, क्योंकि उसके जो ग्रुप के जो बड़े लोग हैं उन्होंने लिया रहता है। तो जब वो जाता है वहाँ, तब बहुत टेंशन, एंग्जाइटी है, कैसा होगा, क्या होगा, मालूम नहीं है, ऐसा बहुत ये रहता है कि मैं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, ऐसा रहता है। और फिर वो वहाँ जाके जाता है, काम करता है, मगर वहाँ वो फेल हो जाता है। उसको मालूम नहीं होता कि हुआ क्या, कैसे हुआ, और उसको समझ में नहीं आता। एक तो सेक्स करने के पहले उसका शीघ्र पतन हो जाता है, या उसका उसके लिंग में कठोरता ही आती नहीं है, जो भी कुछ हो गया। और फिर वो ऐसा हो जाता है कि जल्दी करने के बाद में वो लड़की जो है बोलती कि नहीं, मुझे समाधान नहीं मिला, और फिर वो बोलती है कि तू आदमी में नहीं है, ऐसा उसने खाली कमेंट पास कर दिया, तो फिर और नुकसान। और फिर वहाँ से उसको लगता है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है। और फिर वो ये सब एट्रीब्यूट करता है कि ये मास्टुबेशन की वजह से हो गया, हस्तमैथुन की वजह से हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया। फिर अभी करना क्या है, अभी उसको फिर टेंशन आता है कि अभी मैं आगे जाके कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। लड़के तो लोग बोलते हैं हम 3-3 4-4 बार हस्तमैथुन करते हैं, या 3-3 4-4 बार, एक बार लड़की लेके गए बाहर तो वहाँ 3-4 बार कर लेते हैं, तो उसको लगता है कि अपन तो कुछ नहीं कर पा रहे। फिर वो जाता है कहीं केमिस्ट के पास में, वहाँ कोई उसको दवाई मिल जाती है, सिल्डानाफिल है, टाडानाफिल है जैसी कोई दवाई है, और फिर वो गोली लेके समाव थोड़ा बहुत कर सकता है, मगर उसको ये लगता है कि नहीं, अभी ये मैंने जो किया वो गोली की वजह से किया, या जो भी मैंने गोली लिया वो, तो फिर वो उसको लगता है कि नहीं ये बराबर नहीं है, उसको गिल्टी फीलिंग हो जाता है, अपराधीपन की भावना कि मैं बराबर नहीं हूँ, मैं आदमी में नहीं हूँ, ना कुछ किसको बोल सकता है, ना शेयर कर सकता है, बहुत डरा हुआ एक इंसान वो तैयार हो जाता है, और उसको लगता है कि मैं गोली के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊँ, मैं तो काम का ही नहीं रहा, ऐसा उसको लगता है। फिर वो और कहीं नेट पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, गूगल देखो, यूट्यूब देखो, और फिर वो कहीं डॉक्टर के पास में, पेपर में, अखबार में आते रहता है कि यदि आपने बचपन में हस्तमैथुन किया हो तो हमारे पास में इलाज है, या फिर हमारे पास में मशीन है, हमारे पास में तेल है, मालिश है, ऐसा वैसा। फिर रोड साइड भी लोग तंबू डाल के बैठते हैं,
फिर वो घर पे ना बताते हुए कहीं ना कहीं पैसे चुरा के या उसके पास में जो पैसे जमा किए रहते वो लेके वो सो कॉल्ड डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है, शादी के पहले शादी के बाद यदि आपने बचपन में गलती की होंगी तो हमें जरूर मिलेगा। ऐसे जो विज्ञापन है वहां जाता है, वो डॉक्टर बोलता है चलो कपड़े खोलो, और वो देखता है और बोलता है कि नहीं आपका तो लिंग बहुत छोटा है, आपकी नसें बहुत कमजोर है। ऐसा कोई ये नहीं कि नसें मतलब पेनिस देखते बराबर ही कोई ऐसा पहचान सके कि वो कमजोर है या नसें खराब है या पेनिस छोटा है, ऐसा कुछ भी रहता नहीं है। मगर वो ऐसा बोलने के बाद में तो उसका पक्का विश्वास हो जाता है कि बस अब तो मैं काम में से गया, और वो पूरा फिर हस्तमैथुन को वो उसको एट्रीब्यूट कर लेता है कि वो उसके वजह से हस्तमैथुन की वजह से हो गया। और वो डॉक्टर भी वही बोलता है कि आपने बचपन में बहुत बड़ी गलती की है, वो गलती नहीं किए रहते तो आज बहुत अच्छा रहता था, मगर आपने गलती की है तो अभी क्या। तो फिर बोलता है कि ठीक है अभी आप हमारे से पैकेज ले लो, 15,000 का पैकेज, 25,000 का पैकेज, जो भी है 50,000 का पैकेज ले लो, और आपकी नसें खराब है ये गोलियां ले लो, ये मशीन ले लो, शक्तिवर्धक मशीन है, लिंगवर्धक मशीन है, काफ़ी सारी जाहिरातें हैं कि लिंग आपको बड़ा करना है, लंबा करना है, इसके लिए ये दवाई है, गोली है, मसाज है, ऐसा वैसा। और फिर वो लेके कुछ ना कुछ कोशिशें करते रहता है, घर में से प्रेशर आ रहा है कि अभी शादी करो, और उसको भी लगता है कि अभी मैं शादी करूँ और ये ऐसा है नहीं हुआ तो फिर क्या, मैं किसी की लाइफ क्यों बर्बाद करूँ। और फिर वो हकीम के पास में जाता है और वहाँ भी उसको प्रॉब्लम, मतलब ऐसा ये सब बताने का मुझे यही है कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम है नहीं, एक्चुअली ये जो जर्नी है पूरी वो ऐसी नॉर्मल जर्नी है, ऐसा ही होते रहता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको जरूरत है एक रीएश्योरेंस की, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शादी कर ले, कुछ नहीं होगा। उल्टा मैं शादी के बाद में लोगों को बोलता हूँ कि शादी के बाद में भी आप ऐसा समझ के 2-4-8 दिन नहीं किया तो भी चलता है, पहले आप एक दूसरे को समझ लो, एक दूसरे को जान लो, एक दूसरे के ऊपर प्यार करो। 7-8 दिन एक दूसरे को समझने के बाद में एंग्जाइटी टेंशन दूर होने के बाद में सेक्स करना, ऐसा कोई नहीं कि पहले दिन रात को ही जमना चाहिए करके। तो ये सब गलतियां होती रहती है और फिर लोग पेशेंट बनते। अब समाओ उसने गोली लेके कोशिश किया समझो शादी के बाद में, फिर उसको लोग बोलते हैं कि मैं तो एक रात में 4 बार करता हूँ, कोई बोलता है एक रात में 7 बार करता हूँ, फिर उसको और परेशानी आती है कि अभी मेरा तो एक ही बार हो रहा है या मेरा तो 2 ही बार हो रहा है। वो तीसरी बार जब कोशिश करता है एक ही रात में करने का और उसके उसमें उसको उत्तेजना नहीं आई तो उसको लगता है कि मैं काम का नहीं रहा, और फिर वो दिमाग में वो पकड़ ले रहा है कि मैं काम का नहीं हूँ, मैं तीसरी बार नहीं कर सका। वो रात को तो सो जाएगा, रात को नींद भी नहीं आएंगी, दूसरे दिन पूरे दिन सोचना चालू है कि मैं तो नपुंसक तो नहीं हुआ, मैं तो जमता तो नहीं, मतलब क्या हुआ क्या भाई, ऐसा सोचते रहता है वो। दूसरे दिन रात को जब बीवी के पास में जाएगा दिमाग में विचार चालू है कि मैं तो काम का नहीं हूँ, मेरे में तो पावर नहीं, मैं तो तीसरी बार नहीं कर सका, जब जाता है तो एक बार भी नहीं कर सकता, और उसमें और प्रॉब्लम आ जाता है। मेरा यही कहना है जो भी आपके प्रॉब्लम है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाके करना चाहिए, क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट के पास में जाके करना चाहिए, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ताकि आपको सही तरीके से उसका ज्ञान मिलेगा और आपको ये कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिंग में बार बार बोलता हूँ कि हस्तमैथुन से कुछ लिंग का आकार छोटा होता नहीं है, हस्तमैथुन से ना लिंग टेढ़ा होता है, हस्तमैथुन से ना लिंग छोटा होता है, कुछ भी होता नहीं है। मगर कुछ भी हो गया और वो सेक्स नहीं कर पाया तो सीधा हो जाता है कि मैंने गलतियाँ की हुई है हस्तमैथुन की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग जान लेंगे, समझ लेंगे, इधर उधर जाएंगे नहीं, पैसा खर्चा नहीं करेंगे, गिल्ट में नहीं जाएंगे, सुसाइड नहीं करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि जो 20-21-25 साल के लड़के जो सुसाइड करते हैं ना, डेफिनेटली उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगे और वो गिल्ट में होंगे, हो सकता है काफ़ी लोग उसमें के। तो ये सब हम सुसाइड बचा सकते हैं। ये वीडियो शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।